आपने इसलिए छुट्टी की, छुट्टी करके बैठ गए गंदे बच्चे। देखिए जो आप टेंट लगाती हैं बॉडी शॉप का, उसका नाम क्या है? था। ये जो शेल्फ्स हैं ये कहाँ से ली है ना, इनका लिंक लगा दे। तो ये मेरी सेकंड बॉटल के थर्ड बॉटल्स थी ये वाली, और इन्होंने मेरे फेस पे रिएक्शन करना शुरू कर दिया। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जी सुबह सुबह मैं ज़रा गुत शुत बना के आज रेडी हो गई हूँ। आज मेरा दिल कर रहा था चलो मैं ज़रा ना चुटिया बनाती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि यार बालों का जो है ना सर्दियों में सत्यानाश हो चुका हुआ है। हालांकि एक तो मुझे डैंड्रफ जो है ना उसका मसला नहीं हल हो रहा, मतलब हल हो भी जाता है लेकिन फिर ये है कि मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई है ना स्कैल्प और मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई है। लेकिन शुक्र है अभी जो है ना मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या कर रही थी, क्योंकि क्यों मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं आजकल। लेकिन चलो अभी देखते हैं, कुछ टाइम मैं यूज़ करती हूँ फिर आप लोगों को बताऊँगी, रिव्यू दूँगी ज़रूर। मैं जी सुबह सुबह ज़रा रेडी हो गई हूँ, मैंने कहा कि चलो यार ज़रा अपनी हालत ठीक करते हैं, उसके बाद बनाती हूँ नाश्ता, उसके बाद हम नाश्ता करते हैं। एक्चुअली कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो एलर्जी, और मुझे लग रहा था कि मैं जो है वो सही वाली बीमार हो चुकी हूँ। खैर मेरी आवाज़ भी अभी ज़रा डिफरेंट हुई हुई है, आवाज़ भी मेरी चेंज हुई हुई है अब, वो भी फ्लू की वजह से थोड़ा सा जो है ना, वो एक्चुअली क्या हुआ एलर्जी हुई है और मेरे पास मेडिसिन नहीं थी, मेडिसिन लेकर आए वो टाइम लग गया थोड़ा सा, तो वो मेरा जो फ्लू है ना वो कल पूरा दिन मेरी जो है ना मैं बेड पे बस लेटी रही हूँ। मेरे कोई मेरा हाल ही नहीं था कि मैं जो है वो कुछ व्लॉग बनाती या कुछ करती, तो इस वजह से जो है ना मैंने कल भी कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना ज़रा सुबह सुबह जब बंदा रेडी हो जाए ना, फ्रेश हो जाए, तो बड़ा अच्छा दिन गुजरता है फिर ना, आपका काम करने का भी दिल करता है, मोटिवेशन मिलती है और जो है ना सही आप एक्टिव फील करते हो। तो मैंने भी सोचा कि चलो आज जो है ना मैं ज़रा रेडी शेडी हो जाती हूँ। बच्चे जो है वो स्कूल, बच्चे क्या स्कूल चले गए हैं कि अरशमान जो है वो स्कूल चला गया है और ज़ैवी जो है वो नहीं गया, उसने एक नया ड्रामा लगाया हुआ नीचे चला जाता है। और उसके बाद जब वैन बाहर होती है तो उसे याद आ जाता है कि मैंने भी जाना है, मैंने भी जाना है। अरशमान जा रहा था और जाव्यार जो है उसने देखा कि हाँ वो जा रहा है, मुझे भी जाना है। लेकिन अब जाहिर है बाहर वैन खड़ी हुई है ना, मुँह हाथ धुला हुआ है ना, कपड़े पहने हुए हैं, तो किस तरह जाएँ। मैंने कहा आप आराम से बैठो, आप अभी नहीं जा सकते। तो फिर आज जो है ना जाव्यार की छुट्टी हो गई हुई है। आप लोग सबसे पहला काम ये कर दें कि मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और कर दें वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। तो आज जो है ना बाहर का मौसम भी धूप छूप निकली हुई है और अच्छा मौसम हो रहा है। खैर मैंने एक तो काम भी है मेरे करने वाले, लेकिन सबसे पहले जो है ना हम करते हैं नाश्ता और मैं बनाती हूँ नाश्ता। और आज हम नाश्ते में क्या करें सोचते हैं अभी। तो चलिए जी सबसे पहले हम जो है वो चाय बनाते हैं, साथ में बनाती हूँ एग और पराठा बनाते हैं। आटा भी निकाल, ये देखिए ये ज़ैवी के काम है कि ये उसने फ्रिज में रखे हुए और ये पुराने हो गए हैं, बेकार हो गए हैं वाइब्स, और उसने कहा नहीं ये फ्रिज में ही रहेंगे यहाँ पे सामने बस मेरे, और कहीं नहीं जाएंगे। ये देखिए जी मैंने जो ग्रीन अनियन है ना सब्ज़ प्याज, उसको मैंने काट के इस तरह से फ्रीज कर लिया हुआ है, ये इसका ग्रीन पार्ट है। और ये जो है ना मैंने प्याज वाला पार्ट जो है वो अलग रखा है, क्योंकि ना वो फिर क्या होता है कि ना कभी आपको सिर्फ ग्रीन पार्ट चाहिए होता है, कभी जो है वो आपको दूसरा पार्ट चाहिए होता है, तो इस वजह से मैंने दोनों को ना अलग अलग करके फ्रीज़ किया। तो ये मैंने इनको कट कर लिया था और पैकेट्स बना दिए, इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया है। तो अब मैं अपना एग भी बनाती हूँ, साथ बनाती हूँ पराठा, और चाय मैंने रख दी है, अभी मैं डालती हूँ इसमें। तो चलिए नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखें जाव्यार का लंच मैंने रेडी करके रखा हुआ था, और ये उसकी वाटर बॉटल भी, और जनाब साहब गए नहीं है स्कूल, छुट्टी करके बैठ गया। अब सुबह सुबह उसका दिक्कत था कि मैं भाग जाऊँ मैं खेलूँ, अब सुबह इतना टाइम तो होता नहीं है, बहन वाले ने भी आना होता है, बिलावजह छुट्टी करके बैठ जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, छोटा है अभी, छुट्टी कर भी ले तो खैर है, लेकिन आगे चल के फिर आदत ना हो जाए उसको, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा छुट्टी नहीं करवाती। ये देखें जी क्या ज़बरदस्त किस्म का मेरा पराठा गोल मटोल सा बना है। यहाँ पे जो है वो अंडा भी मैंने रेडी कर लिया हुआ है, चाय भी रेडी हो गई है, बस अब इसलिए गरम, ये भी गरम हो गया, पराठा डालती हूँ। फिर पराठा बन गया है और ये जो है वो अंडा भी मैंने ढाला है, ये पकेगा। आज जो है ना वाइट आटे का पराठा नहीं था, आज दूसरे आटे का ही पराठा है, तो इसलिए पराठे का कलर थोड़ा सा डार्क है।
ये आज से ही मेरा अंडा जो है वो मुझसे फ्लिप हुआ है। तो चले भाई, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, तो अब जो है ना हमने जाना है ऊपर। बर्ड्स का जो है ना, मैंने उनको छली देनी है क्योंकि अदील जो है वो नहीं है, गए हुए हैं, और मुझे जो है उनको खाना वगैरह देना है। तो ये जो छलियाँ हैं ना, इसमें से हम ये दो छलियाँ लेते हैं और ये उनको देते हैं। तो चले भाई, छलियाँ मैंने छील ली हैं और अब हम जाके देते हैं बर्ड्स को। चेक करें, छोटा बेबी कहाँ पहुँचा है। जैवी कहाँ पे पहुंचे हुए हो? चलो इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आराम से गिर जाओगे, कम ऑन अंदर आओ। इनको मैंने खाना छाना दे दिया, जो भी मैंने छली इनको देनी थी दे दिए। माशाल्लाह ठीक ठाक है। ये मेरा बेबी यहाँ क्या कर रहा है? ऊपर आ गए हो आप, क्या कर रहे थे नीचे? नीचे वो देखो गाड़ी को देखो, कितनी जल्दी पानी इसने कैसे ले गए। अच्छा जी, इतनी ज्यादा पानी, मैं भी धोऊं तो है? नहीं नहीं, आप नहीं धोए। हाँ चलो हो गया, बस रहने देना, उतर जाएगा बेटा वहां से। कपड़े भी धो रहे, कपड़े धोने इधर भी पानी है। हो गया ओके। अभी करो। यार आए ना, आपने कपड़े नहीं चेंज किए ना सुबह के। मामा अभी करो। मैं भी करूँ? अच्छा मैं भी करती हूँ। आप आए ना, मैं आपके कपड़े चेंज करूँ। सुबह के आपने कपड़े नहीं चेंज किए? ओहो जैवी छोड़ दे, लड़का अब नीचे नहीं आ रहा यार। जैवी कहाँ गए हो? ये चले ना, आपने इसलिए छुट्टी की, छुट्टी करके बैठ गए गंदे बच्चे। अभी क्या बन गया मेरा बेटा? अच्छा बेटा बन गया, कैसे जरा बता दो। मैं ये भी पहनूंगा साथ। अच्छा कपड़े चेंज करने लगा, कहता मैं अच्छा बेटा हो गया, अच्छा बेटा हो गया, अच्छा बेटा। यार इसका यहाँ पे एक बटन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ना इसका एक बटन लगाना पड़ेगा। नहीं इसका गला खुला है। नहीं नहीं, अच्छा दिखा दूँ आपको। चलो जी, जैवी ने कपड़े चेंज कर लिए, जैवी देखो, और ये अपने हैंड भी गंदे कर लिए, गंदा वे भी। जैवी का नाश्ता भी आ गया है, चलो नाश्ता कराते हैं। नाश्ता जैवी को मैंने नाश्ता करवा दिया है, और अब जो है ना मैं सफाई करती हूँ, और क्योंकि हमारी जो मेड है ना वो नहीं आ रही है, वो गई है अपने गांव पीछे, और मतलब ऑलमोस्ट महीना होने वाला है, और वो मतलब क्या क्या गई थी कि मैं जो है वो एक हफ्ते बाद आ जाऊँगी, दो शादियाँ हैं तो वो अटेंड करके आ जाऊँगी, तो अब महीना होने वाला है कि वो नहीं आई है, तो अब जाहिर है काम शाम तो करने ही है ना, और कोई मेड जो है वो इधर मिलना ईजी नहीं है। जो यहाँ पर रहते होंगे बैरिया टाउन में, उन्हें पता होगा कि यहाँ पे मेड जो है ना काफ़ी मुश्किल से मिलती है। तो खैर मेरी मेड मेरी व्लॉग्स भी देखती है, और उसको मेरा ये मैसेज है कि वापस आ जाओ अब, तो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो चले अब जो है ना हम सफाई शफाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैवी की वजह से जो है ना आज मैं लेट हो गई हूँ काम करने में, मतलब 10 बजने वाले हैं, और मतलब मैं आपको पता ही है कि मैं सुबह सुबह सारे काम जो है वो कर लेती हूँ, तो अब 10 बजने वाले हैं, तो खैर अभी भी सुबह ही है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ज़रा लेट होगी सिर्फ जैवी की वजह से, उसको ज़रा नाश्ता वाश्ता कपड़े चेंज ये वो। तो अब जो है ना मैं क्या करती हूँ, सफाई करती हूँ, पहले झाड़ू झाड़ू लगाते हैं, सफाइयाँ करते हैं। अच्छा जी, तो मैंने जो है वो सफाई सफाई कर ली हुई है, देखें कैसा सारा अच्छे तरीके से मैंने जो है वो आज झाड़ू लगाया, हर चीज़ हटा के अच्छी तरह से जो है ना वो मैंने सारी चीज़ें हटा के झाड़ू लगाया था। तो अभी जो मेरे हेल्पर है ना वो पोछा लगा रहे हैं, और मैं कर रही हूँ डस्टिंग, और ये जो गंदा बेबी है ना, ये मम्मो को दंगल है, ये मम्मो को दंगल है, ये मम्मो को दंगल है। ये वे अपने खिलौने यहाँ पे टॉयज जो है ना वो सारे भी खेलता जा रहा है। तो अच्छा खैर, मैं डस्टिंग करी थी ना, यहाँ से मैं डस्टिंग करी थी, तो मुझे याद आ गया कि मुझे एक क्वेश्चन आया था कि ना आप ने ये जो शेल्फ्स हैं ये कहाँ से ली हैं ना, इनका लिंक लगा दे। तो ये मैंने ली नहीं थी, ये एक्चुअली था बच्चों के रूम में भी जो शेल्फ्स लगी हुई हैं,
और ये मेरे रूम में जो शेल्फ्स है ना, ये क्या था कि बच्चों की मैं ये स्टडी टेबल वगैरह बनवा रही थी, तो तब जो है ना मैंने वो बीच में से टुकड़े बचे थे तो मैंने उसकी शेल्फ बनवा ली थी। और ये भी उन्हीं टुकड़ों की शेल्फ्स हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है ना मैंने ब्लैक पेंट कर लिया था, स्प्रे पेंट लेके ना ब्लैक वो कर लिया था और वो यहाँ पे मैंने लगा दी। तो ये जो है ना बड़ी प्यारी सी मेरी शेल्फ्स बन गई। फिर मैंने ये कुछ डेकोरेशंस जो है वो यहाँ पे रख दिए थे, मतलब वो मैंने ना कोई लिंक वगैरह मतलब नहीं है इसका, ये मैंने खुद ही बनवाई थी जब मैं बच्चों का स्टडी टेबल बनवा रही थी ना, तब मैंने ये साथ बनवा ली थी और फिर मैंने यहाँ पे लगवा दी है। तो अब मैं चाह रही थी इनको चेंज कर लूँ अब मेरा दिल सा भर गया इन शेल्फ से, तो खैर वो बात की बात देखेंगे। तो मैं ना अभी डस्टिंग कर रही थी यहाँ से ना, तो फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी जल्दी से बता दूँ कि ये जो है ना मैंने बाय नहीं किया, ये मैंने बनवाए हैं खुद से। ठीक है जी, काम हो रहा था घर में, 30 शीट्स के बचे हुए थे, तो मैंने कहा चलो मुझे शेल्फ्स बना दो, मैं जरा अपनी डेकोरेशन रख लूँगी बच्चों के भी रूम में भी और अपने रूम में भी। तो ये मैंने जो है ना इसलिए वहाँ से ये शेल्फ्स बनवाई थी। ठीक है जी, तो अब मैंने ये वाला साफ तो कर लिया, अब ये रह गया है इसकी डस्टिंग वगैरह करती हूँ। बाकी तो मैंने डस्टिंग शस्टिंग कर ली है और जो है ना बड़ा अच्छा साफ सुथरा घर हो जाता है जब बंदा खुद से सफाई करे ना, तो ज़रा अच्छे तरीके से जैसे सफाइयाँ सफाइयाँ करते हैं और फिर ना बड़ा अच्छा चमको चमक हो जाता है घर। और फिर पता है 3-4 दिन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, जब आप खुद से कर लो ना एक दो अच्छे तरीके से, तो फिर आराम से 1-2 दिन गुजर जाते हैं। बच्चे ना हो तो ज़्यादा दिन गुजर जाए, लेकिन बच्चे जो है ना वो गंढाल ही देते हैं तो फिर करनी पड़ती है। तो लेकिन ये होता है कि बस ब्रश वगैरह लगा दो तो आराम से गुजारा हो जाता है जी। ये नहीं हो रहा, ये लो। चले जी, अब मैं डस्टिंग कर लूँ उसके बाद मिलती हूँ। अभी जी मैं अपनी वैनिटी साफ कर रही थी, ये मैंने कहा इनके ऊपर काफ़ी डस्ट वगैरह पड़ी हुई थी ना, तो मैंने कहा साफ़ कर दूँ। तो फिर मुझे ना साफ करते करते ख्याल आया कि ना मुझसे पूछ रहे थे कि जो आप टेंट लगाती हैं बॉडी शॉप का, उसका नाम क्या है। उसका नाम है जी ये डीप बेरी 029, ये शेड है इसका, और इसका नाम ही बेचारे का यहाँ से हट चुका हुआ है तो ये लिप एंड चीक स्टेन थी। ठीक है जी, ये बॉडी शॉप का था और डीप पेरी कलर है इसका, शेड है। और यहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी तो मैंने देखा कि ये वाली जो है ना, ये मैं यूज़ कर रही थी और यूज़ करते करते ही जो है ना इनका मेरे पे मतलब ना रिएक्शन होना शुरू हो गया था इन सीरम्स का। मुझे नहीं समझ आया, मैंने कहा पता नहीं क्यों हो रहा है ये रिएक्शन ना, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। अभी मैंने फिर अपने बाजू पे लगा के थोड़ा सा देखा तो वो रिएक्शन मतलब कर रहा है ना, मतलब मुझे अब समझ नहीं आया कि ये मैं यूज़ करती थी और करते करते ही जो है ना ये मैंने छोड़ दिए थे यूज़ करना, इन्होंने मेरे जो है वो फेस पे रिएक्शन करना शुरू कर दिया था। जैसे ही मैं लगाती थी ना मेरा फेस रेड हो जाता था और जलने लग जाता था, मैं फटाफट जाके फिर फेस वॉश कराती थी, मेकअप पता नहीं क्या, फिर मैंने छोड़ दिया। तो अब ये बेचारे ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि अब इनका क्या करूँ, फेंक ही देती हूँ बिला वजह रखने का क्या फ़ायदा। तो ये बस इसमें पड़े हुए थे क्योंकि मैं यूज़ कर रही थी, तो अब जो है ना मैं इनको फेंकने लगी हूँ क्योंकि इनका कोई फ़ायदा नहीं। तो शीशा जो है वो गंदा हो रहा है क्योंकि मैं अभी साफ कर रही हूँ, सफाई कर रही थी यहाँ से। मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका शेड भी शेयर कर दूँ और साथ में ये भी बता दूँ कि इनका पता नहीं ये MK कॉस्मेटिक्स के थे, ये हेलोरॉनिक एसिड और विटामिन सी सीरम, अंडर आई सीरम है। अच्छा ये एक्चुअली मैं मतलब यूज़ कर चुकी, ये मेरी सेकंड बॉटल के थर्ड बॉटल्स थी ये वाली, और इन्होंने मेरे फेस पे रिएक्शन करना शुरू कर दिया। आई डोंट नो क्यों, ये पुरानी थी या क्या चक्कर था मुझे नहीं पता। तो वैसे मैं इनकी जो पहले बॉटल्स यूज़ कर चुकी हूँ तो वो बहुत अच्छी थी, और उसके बाद जब मैंने ये दूसरी तीसरी दफ़ा मंगवाई और वो मैं यूज़ कर रही थी तो उन्होंने मेरे पे रिएक्शन करना शुरू कर दिया। अब बाकी का साफ करती हूँ फिर मिलती हूँ। तो चले भाई, डस्टिंग शस्टिंग हो गई थी सारी, तो अब इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कि मेरे चैनल को। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।